वेट 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 वेट, अगर आप कोई स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर से देख लीजिए, क्योंकि एक ऐसा फोन आने वाला है जो कि 64 मेगापिक्सल का कैमरा लेकर के आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और आपने इस फोन के लिए जरूर से वेट करना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फोन रहने वाला है वो रियलमी की तरफ से रहने वाला है। आपको बता दूं, एक नहीं दो नहीं पूरे तीन तीन फोन आपको देखने को मिलेंगे रियलमी की तरफ से, रियलमी 5, रियलमी 5 प्रो और रियलमी एक्स प्रो। तीनों ही फोन में आपको क्वाड कैमरे देखने को मिलेंगे, जिसका बैक सेंसर रियर वाला होगा वो 64 मेगापिक्सल का होगा। हाल ही में दिल्ली में इवेंट हुआ था 8 अगस्त को रियलमी का, जहां पे उन्होंने कैमरे के बारे में सारी चीजें बताई कि इसमें कौन सा सेंसर यूज हुआ है। कुछ इसके सैंपल भी उन्होंने पोस्ट किए, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और कितने अच्छे लग रहे हैं वो सारे सैंपल। अगर ऐसा ही कैमरा होने वाला है तो आपको बता रहा हूँ कि ये मार्केट को पूरा फिर से हिलाने वाला है। आप इंटरेस्टेड है 64 मेगापिक्सल कैमरे को लेकर के तो इस वीडियो को जरूर से देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, एक रेडमी और एक रियलमी ऐसी दो कंपनी है जो फ्लेक्सिबल लेवल की चीजें सारे के सारे बजट में लॉन्च करती है। क्योंकि रेडमी ने एक लॉन्च किया था फोन जिसका नाम था रेडमी नोट 7 प्रो। ये पहला ऐसा फोन था जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिला था। उसके बाद सारी कंपनी 48 मेगापिक्सल कैमरे को लेकर के आई थी, और अब रियलमी है जो कि यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का कैमरा फोन लेकर के आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो एक नहीं तीन तीन फोन लेकर के आ रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे इनकी डिजाइन और डिस्प्ले कैसे रहने वाली है। तो मैं आपको बताया, इसकी डिजाइन है वो पॉलीकार्बोनेट की बॉडी से बना हुआ है। जैसा कि आपको पता है रियलमी 3 प्रो आया था उस जैसा ही सेम आपको देखने को मिल जाता है। मतलब बैक भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, आपको पता है रियलमी 3 प्रो का वैसा ही इसमें भी आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.5 इंच की सुपर एमुलेट डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। और मैं आपको ये भी बता दूं, जैसा कि आप पोस्ट में देख पा रहे हैं कि बैक में कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है, इसका क्लियर मतलब है कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं पता है कि 5 वाली मिलेगी या 6 वाली मिलेगी। ये कन्फर्म है कि इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, तो मतलब आपका फोन भी नहीं टूटने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को बचा डालो। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी रैम के बारे में। मैं आपको बता दूं, 6GB 64GB के साथ आएगा, LG वेरियंट क्लियर हुआ है, बाकी और रूमर्स आएंगे वैसे पता चल जाएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा इसकी बैटरी के बारे में, जो कि काफी ज्यादा कमाल रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आपको 6.5 इंच की एमुलेट डिस्प्ले दी गई है, तो बैटरी भी बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है रियलमी और रेडमी के जितने भी फोन आते हैं उनमें 4000mAh की बैटरी तो आती ही आती है। इस फोन में भी आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं, टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ इसमें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा। और प्लस बात यह है कि इसमें आपको बुक चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसमें आपको 3.55mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा। काफी सारी अच्छी चीजें दी गई हैं। फाइनली बात करना चाहेंगे इसके कैमरे को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली में इवेंट हुआ था 8 अगस्त को रियलमी का, उसमें कैमरे को लेकर के सारी चीजें बाहर आई थी। इसका रियर सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का रहने वाला है। उसके बाद एक और सेंसर दिया गया इसमें आपको, जो कि वाइड एंगल को सपोर्ट करता है। तीसरा सेंसर इसमें आपको टेलीफोटो का दिया गया, और चौथा सेंसर आपको इसमें डेप्थ सेंसिंग दिया गया है। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपको सैमसंग के सेंसर यूज किए गए हैं, जो कि ISO सेल GW1 के 7 सेंसर यूज हुए हैं। ये काफी ज्यादा अच्छे सेंसर होते हैं। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा इसके फ्रंट कैमरे के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया बेजल्स काफी ज्यादा कम दिए गए स्क्रीन में, तो मतलब क्लियर था कि इसमें आपको पॉपअप वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा 25 मेगापिक्सल का। अब मैं आपको फिर से अगेन एक बार पीछे लेकर के आना चाहूंगा इसके बैक कैमरे को लेकर के। यहाँ पे आपको जो कैमरे दिए गए हैं उनकी कुछ पोस्ट भी लीक हुई है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, ये वाला भी फोटो देख पा रहे हो, कितने ज्यादा अच्छे फोटो लग रहे हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि अगर ऐसे ही फोटो रहने वाले हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि DSLR का बिल्कुल भी रोल खत्म होने वाला है। क्योंकि फोन में ही अगर इतने अच्छे अच्छे कैमरे देखने को मिलेंगे तो कौन DSLR खरीदने वाला है? आपको क्या लगता है,
कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। अब बात करना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे इसके प्रोसेसर के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको हीलियो का G90T प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, और ये प्रोसेसर अगर हम क्वालकॉम के साथ कंपैरिजन करते हैं तो 730 से भी ज्यादा पावरफुल है। आपका गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा कमाल होने वाला है, तो ओवरऑल ये काफी ज्यादा अच्छा पैकेज रहने वाला है इस मोबाइल का। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी लॉन्च डेट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं माधव सेठ उन्होंने क्लियर बोला है कि ये फोन आपको दिवाली से पहले देखने को मिल जाएगा। अक्टूबर या नवंबर है, आपने बताया दिवाली रहती है, तो उससे पहले आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी प्राइस को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं इसकी जो प्राइस रहने वाली है वो 15,000 से लेकर 20,000 रुपए के बीच रहने वाली है। 20 से ऊपर नहीं जाएगा, 15 से नीचे नहीं रहेगा, 18-19 के आसपास रहने वाला है। अगर इतने प्राइस में भी ये आ जाता है तो इसमें आपको पता है सारी चीजें कमाल की दी गई है, ये फोन पूरी मार्केट को किल करने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है इस स्मार्टफोन के बारे में जो कि 64 मेगापिक्सल के साथ आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आप इस फोन के लिए वेट करना चाहोगे, क्या आप इस फोन को खरीदना चाहेंगे, मुझे साथ ही साथ ये भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलता आपको नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।